हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति। एंड ये जो घर है आज हम देखने के लिए आए हैं, ख़रीदने के लिए। तो हम इतने सारे घर देख रहे हैं ख़रीदने के लिए। एंड घर एक ऐसी चीज़ है कि ऐसे देखा और ऐसे ख़रीद नहीं सकते, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं उसमें। तो ये जो घर है एक डुप्लेक्स हाउस है एंड इसका जो दाम है वो है 1,25,00,000। एंड सो हम लोगों ने देखने से पहले हम लोग को उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ भेजे थे, उसमें इतना समझ में नहीं आया। सो हमने फ़ोटोज़ में तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा था सब कुछ, लेकिन ऑफकोर्स जो डुप्लेक्स होता है ऊपर और नीचे रहता है तो हॉल बहुत बड़ा दिख रहा था। यहाँ पे हॉल कंपैरेटिवली मुझे बहुत छोटा दिखा। तो यहाँ पे हॉल का ही 2 पार्टीशन किया, बीच में पिलर्स लगाए एंड डाइनिंग रूम है एंड देन दिस इज़ किचन। सो किचन काफ़ी अच्छा स्पेशियस लगा। एंड नीचे एक बेडरूम आया हुआ है और ऊपर 2 बेडरूम आए हुए हैं उस तरह से। एंड हेयर इज़ द वॉशरूम। सो एक अगर कोई गेस्ट आते हैं आपको आपके लिए तो मतलब आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आते हैं तो नीचे का बेडरूम यू कैन यूज़ एज गेस्ट बेडरूम एंड वॉशरूम एंड ऑल दैट इज़ गिवन। एंड वार्डरोब्स भी काफ़ी अच्छे थे। एंड जो कर्टन्स है आजकल ये इजी वे में लगाने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये वाले कर्टन्स जो है इतना लुक इन्हांस नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ऑफिस में कर्टन्स लगे हो वैसा। जो रेगुलर कर्टन्स होते हैं वो थोड़े और क्लासी लगते हैं घर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये एक और जो है जो नीचे बेडरूम दिया है उसके साथ एक और वॉशरूम अटैच है, तो वॉशरूम भी अच्छा खासा स्पेशियस है। एंड अभी जो है आपको एक लुक दिखेगा कि पूरा हॉल और ये किस तरह से। तो ये हॉल है, ये डाइनिंग एंड उस साइड किचन। तो अभी मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, अभिषेक यहाँ पे खड़ा है। सो आदित्य तो ऑलरेडी अपनी क्रिकेट कोचिंग के लिए चला गया था तो वो नहीं आया था, हम लोग ही गए थे हम तीनों। एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन था क्योंकि ये एक डेमो मॉडल है। सेम आपको अगर इसमें चाहिए लोकेलिटी भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो सेम आपको जो है इसी तरह से मिल जाएगा। इंटीरियर में उन्होंने डेमो है इसलिए ये फर्नीचर रखा, अदरवाइज़ तो आपको एम्प्टी ही मिलेगा वुडवर्क के साथ में। सो ये ऊपर देखिए, ये है मास्टर बेडरूम। एंड वो सामने जो आप देख रहे हैं वो वॉक इन क्लोज़ेट है। एंड देन इस मास्टर बेडरूम के साथ एक बालकनी दी हुई है और साइड में आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस है ताकि जो वेंटिलेशन है वो अच्छी तरह आए, एकदम ऐसे चिपके चिपके नहीं है। कुछ हमने इससे पहले भी देखे थे जिनमें बाजू वाले जो डुप्लेक्स हाउसेस होते हैं उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं था, बट यहाँ पे अच्छा है। तो ऊपर आए थे ये जो लॉबी है वहाँ पे एक सिट आउट दिया हुआ है लिविंग रूम जैसा। एंड ये देखिए, ये वॉक इन जैसा दिया हुआ है, सामने मिरर है एंड लेफ्ट साइड में जो है वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। सो ओवरऑल तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे को एक ही कंप्लेंट लग रही है, यहाँ पे हॉल है जो बहुत छोटा सा है। मतलब कॉस्ट के हिसाब से इस वाली कॉस्ट में बड़े जो हॉल्स है वो भी आ रहे हैं। तो ये वेस्ट फेसिंग वाला हाउस है। एंड ये देखिए, ऊपर भी एक लिविंग रूम जैसा ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर एक और सोफ़ा सेट लगाया हुआ है। एंड दिस इज़ अनदर बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम मान सकते हैं। तो अच्छा खासा बेड लगा हुआ है एंड इसमें भी वॉक इन क्लोज़ेट है। लेफ़्ट में जो है कबर्ड्स आए हुए हैं और राइट में जो है वॉशरूम है। एंड इस तरह से शेल्फ्स भी अंदर लगी हुई है, वुड नहीं है, वो ऑलरेडी सीमेंट के जो शेल्फ डाले होते हैं ना वही है। दिस इज़ द वॉशरूम। सो देख सकते हैं आपकी कैसा लग रहा है। तो ओवरऑल क्वालिटी, जो बिल्डिंग की क्वालिटी है वो सारा अच्छा था। कॉस्ट आप मुझे बताइएगा कि महंगा है या सस्ता है। एंड देखिए, यहाँ से बालकनी के पास में खड़ी हूँ मैं, वहाँ से पूरा ये एक लुक है। सो बालकनी के पास अभी जाके अगर देखते हैं तो ये जो पूरा वेंचर है वो किस तरह से दिखता है, एक अच्छा लुक आएगा। ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप, सारे हाउसेस जो है एक ही टाइप के बने हुए हैं और एकदम सिंक्रोनाइज डिसिप्लिन मैनर में लग रहा है। तो कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, कुछ ख़त्म हो चुके हैं। देखा ना आपने कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम गेटेड पूरा सोसाइटी है ये। ओनली हॉल जो है मेरे को काफ़ी छोटा लग रहा है। हॉल हॉल थोड़ा और बड़ा होता ना तो मज़ा आता। तो ये वेस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग अगर कोई देखने को मिलता है जिसमें हॉल लंबा हो तो वी हैव टू सी। एंड इसमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन जो है कम्प्लीट हो गई, ये तो डेमो मॉडल है। अगर आप ये सामने वाला देखें, देखो यहाँ पर रेत वेत पड़ी हुई है। सो कुछ का जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ लोग ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं, रह रहे हैं ऑलरेडी पसीना। सो काफ़ी अच्छा है, हैव टू सी।
तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, तो ओवरऑल एक डुप्लेक्स का फील अच्छा रहता है। तो मेनली जो है हॉल घर का, जो आपके घर में गेस्ट आते हैं बेडरूम में सब नहीं घूमते हैं, राइट। सो हॉल अगर थोड़ा अच्छा खासा स्क्वायर मॉडल में भी बड़ा हो या थोड़ा रेक्टेंगल मॉडल में भी बड़ा हो तो एक बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। सो लुक आप देख सकते हैं, थोड़ा सोफ़े वोफे और थोड़े बड़े सोफ़े रखेंगे तो और भी कंजेस्टेड हो जाएगा मुझे लगा, बट लोकेलिटी अच्छी है। तो अभी नीचे आ चुके हैं, ईस्ट फेसिंग रेडी नहीं है बट स्टिल एक चक्कर मार के आते हैं, देखते हैं। एंड यहाँ पे ये पार्क एरिया है पूरा, एंड फिर पीछे होते मंदिर भी है। सो ये जो पार्क एरिया है इवनिंग वॉक के लिए या उस चीज़ के लिए काफ़ी बड़ा दे रखा है आपको। स्पेसिफिकली मतलब जिम भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वॉकिंग जो है वेट लॉस के लिए या किसी चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है, बिकॉज़ उसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। अगर आप और कुछ करते हैं तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, एंड अगर आप ज़्यादा स्ट्रेन हो जाते हैं तो वो छूट जाता है। तो ये एक चीज़ है कि ऐसे लोकेलिटीज़ में मतलब गाते गाते जो है वॉकिंग शॉकिंग हो जाती है। एंड दिस इज़ द क्लब हाउस, एंड यहाँ पे अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हुई है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। सो ये नीचे का एरिया है, एंड एंट्रेंस में यहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं, उसके बाद अंदर जो है ऑफिस भी ऑलरेडी है। तो ये देखिए सुपरमार्केट है, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी ने लिया नहीं है, उसके रिलेटेड जो भी सामान है शेल्फ से वो सारे ला के रखे हुए हैं, क्योंकि ये वेंचर जो है नया ही है। सो अभी हम लोग ऊपर जाके देखे आएंगे कि क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। एंड अभी हमारे लिए पानी आ चुका है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और प्यास भी बहुत लग रही थी, देखो पसीने कितने आ रहे हैं। हाँ यहाँ पे कब गर्मी ख़त्म होगी, बारिशें इतनी आ रही हैं बारिश, बट जो है बिल्कुल भी क्लाइमेट में चेंज नहीं हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ती ही जा रही है। सो पहले हम लिफ्ट में अभी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप देखते हुए नीचे सीढ़ियों से उतर के सारा कुछ देखेंगे। सो अभी हम लोग निकले हैं बाहर। सो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको दिखा रहे हैं वो कुछ रूम्स भी है। तो क्लब हाउस का ये है फ़ायदा कि अगर यहाँ पे बैंक्वेट हॉल होता है वो भी अवेलेबल रहता है, एंड उसके अलावा सबसे पहले छत पे आ गए हैं, राइट। सो छत के ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, इस पूरे वेंचर का व्यू कैसा दिख रहा है, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है ना पूरा व्यू। ये क्लब हाउस से चारों तरफ का पूरा दिख रहा है, एकदम सिंक में है, आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं है, बहुत डिसिप्लिन में है, एंड बहुत एकदम सेफ्टी के हिसाब से, बिकॉज़ जो बाउंड्री वॉल सी वो भी है, तो बच्चे कभी भी बाहर जाके कहीं पे भी खेलें, कुछ डरने की चीज़ नहीं है। तो कहीं पे हवा नहीं आ रही थी, बट यहाँ पे हवा आ रही थी तो थोड़ा सुकून लग रहा था। मैं बोल रही थी थोड़ी देर इधर ही रुक जाते हैं, हवा लेके चलते हैं। एंड यहाँ पे ये जो है क्लब हाउस में थिएटर है, यहाँ पे करीबन 200 लोग आराम से बैठ जाते हैं, और वीकली एक कोई नई मूवी जो होती है वो लगाते हैं, मतलब रिलीज़ हुई मूवी नहीं लेकिन जो रिलीज़ होके शायद जिसको एक महीना हो जाता है वैसे वाली मूवी लगाते हैं। तो रिसेंटली जो रिलीज़ उन्होंने करी थी यहाँ पे जो लगाई थी उसके बारे में भी बता रहे थे। सो ये भी अच्छा था। एंड इसके अलावा यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है, तो क्योंकि बैंकेट हॉल है इसमें, कभी मैं बंकेट बोल रही हूँ कभी बैंकेट बोल रही हूँ, सो वो अवेलेबल है। तो अगर कोई शादी हो या बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो तो वहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते हो, और रिलेटिव्स को जब इनवाइट करते हो यहाँ पे ही 10 रूम्स अवेलेबल हैं, एंड उसका भी स्पेसिफिक कॉस्ट है। जैसे जो कोई छोटा रूम है उसका 1500 कॉस्ट है, जो कोई बड़ा रूम है उसका 2500 ऐसे कॉस्ट है। तो अगर आप जिस लोकेलिटी में रहते हो क्लब हाउस अवेलेबिलिटी है तो ये आपको सस्ते में आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कहीं बाहर फंक्शन हॉल बुक करते हो तो एक एक रूम का चार्जेस एक एक दिन का ही 4-5 हज़ार और थोड़ा लग्जरियस हो जाता है तो और भी कॉस्टली हो जाता है। तो दिस इज़ ये जो आजकल ट्रेंड निकला हुआ है ना किसी भी वेंचर का कि आपको ये फैसिलिटीज़ देनी है, कि क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, एंड जिम एरिया है, एंड ये जो है योगा रूम है। सो फिलहाल क्योंकि न्यू कंस्ट्रक्शन है तो सब कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, और जो योगा एंड ऑल दैट है वो मॉर्निंग के टाइम पे होता है, तो योगा रूम फ़िलहाल तो खाली क्योंकि 24 आवर्स चलता नहीं है। सो अभी फिर नेक्स्ट स्टेयर पे जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक फ्लोर पे एक एक चीज़ें हैं, जैसे एक जगह पे ब्यूटी पार्लर है, एक जगह पे स्पा है। सो उसमें ऑपरेटिंग अभी जो चल रहा है वो है ब्यूटी पार्लर, एक साल से चल ही रहा है। एंड ये देखिए ये इंडोर गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है, टेनिस है, और देख सकते हैं आप जो भी गेम है, सारे नाम याद नहीं आ रहे, कैरम है,
टेबल टेनिस है और वो कौन सा है वो सॉकर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नॉट सॉकर, याद नहीं आ रहा यार, वो डंडी वाला गेम यार, लंबी सी डंडी से जो करते हैं, भूल गई मैं उसको। एंड ये है सैलून जो अभी मतलब किसी ने लिया है, जल्द ही इसको भी स्टार्ट करने वाले, जो मैं बता रही थी ब्यूटी पार्लर, ये तो चालू है ब्यूटी पार्लर लेकिन आज फ़िलहाल के लिए बंद है। एंड दिस इज़ द जिम, एंड जिम के अंदर भी देखिए अच्छे खासे इक्विपमेंट्स है, थ्रेडमिल है एंड वेट्स है, बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स जनरली वर्कआउट के लिए चाहिए होते हैं वो सारे हैं। एंड जब आप ऐसी लोकेलिटी में ख़रीदते हैं तो आपको अलग से कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मंथली जो मेंटेनेंस पे करते हैं उसी में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल भी है, एंड उसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट का जो है वो भी दिया हुआ है, और आगे जो है टेनिस का भी जो कोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। एंड खिड़की से बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आ रही थी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको यही वाला ले लेना है, या मतलब मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि हमने देखा, हम देखते आ रहे हैं बट कुछ भी फाइनलाइज़ नहीं हो रहा है, ये ले लेंगे या नहीं लेंगे वो भी कुछ पक्का नहीं है। बट क्योंकि मैंने देखा, मैं आप लोग के साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ कि कैसा ले सकते हैं या कैसा नहीं ले सकते, अगर हमने नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, उसका भी जो रीज़न्स है, कुछ जो मुझे ड्रॉबैक्स लगे वो भी मैंने आपको बताया। तो ये रहा बैंक्वेट हॉल यहाँ पे, एंड ये भी देखिए काफ़ी बड़ा है। आजकल हम जो बाहर 1-2 लाख में फंक्शन हॉल्स बुक करते हैं वो भी इतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं होता है, राइट। तो ये नॉर्मल यहाँ पर शादियाँ भी हुई है इससे पहले, और बर्थडे पार्टीज या छोटे मोटे सारे फंक्शन हुए हैं यहाँ पर, अच्छा खासा है ये। एंड इसका भी चार्जेस अगर कोई बुक करता है तो 8,000 या 10,000 कुछ वो बता रहे थे उस हिसाब से। एंड ये सारी फैसिलिटीज़ जो है इस क्लब हाउस में, अगर आपके घर पे कोई मतलब आपको कोई मिलने आना चाहता है कोई नया इंसान, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप क्लब हाउस पे वेट करो, हम वहाँ पे आ जाएंगे। तो थोड़ी प्राइवेसी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है ये। अभी हम फिर से नीचे आ चुके हैं, एंड काफ़ी अच्छा था, अंदर ऑफिस है। एंड यहाँ पे एक मसाज वाली चेयर लगी थी विच वाज़ वेरी कंफर्टेबल, एंड आपके जो भी दर्द है वो सब ठीक कर देगा। सो आई ट्राइड दिस आल्सो। सो फाइनली एंड ऑफ द वीडियो मैं बता देती हूँ, हमने ये देखा, हम इसको ले तो नहीं रहे हैं बिकॉज थोड़े बहुत जो मैंने आपको बताया कुछ कुछ पसंद नहीं आया, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। घर एक ऐसी चीज़ है ना, बोलते हैं ना घर बना के देखो या शादी करके देखो, दोनों ही बहुत बड़े टास्क है, एकदम जल्दीबाजी में नहीं करने चाहिए, इट टेक्स टाइम। सो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।